हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है कॉपी प्रेडिक्शन, आपके पार्टनर की छुपी हुई फीलिंग्स। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं और आपके लिए उनके डीप इमोशंस क्या हैं, आपसे वो क्या छुपा रहे हैं और उनके मन में आपके लिए डीप इमोशंस क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। तो चलिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और यहाँ अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। जो भी महसूस करें वो पॉजिटिव हो और आपके लिए बेहतर हो। तो अपने पर्सन का नाम तीन बार ले लीजिए, उनके बारे में सोच लीजिए और मन ही मन में पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, ये कलेक्टिव रीडिंग है और जितनी भी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो बाबू उतना ही रखिए और बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल अपने पर्सन के बारे में सोचिए और मैं यह देखना चाहती हूँ कि उनके मन की जो फीलिंग्स है, जो उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है, ठीक है। आपके पार्टनर जो भी हो, मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, वीडो हो, डिवोर्सी हो, या क्रश हो, लवर हो, या आपके सोलमेट हो, या आपके ट्विन हो, या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो जिनके बारे में भी सोचिए, प्लीज़ आप उनके बारे में सोच लीजिए, ठीक है। चलिए देखती हूँ। देखिए, मुझे लग रहा है ना, ये पर्सन जो भी हैं इस वक्त, इनके लाइफ में ना बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन के लाइफ में बार बार उतार चढ़ाव हो लग आ रहा है, जा रहा है। कहने का मतलब, कभी भी इनके लाइफ में कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बैलेंस्ड एनर्जी है, ठीक है। कुछ ना कुछ इनके लाइफ में हो ही रहा है, जहाँ वो यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के अंदर ना प्यार है, मतलब ये इस वक्त जिस एनर्जी में है, आइसोलेशन, घुटन वाली एनर्जी में है, ठीक है। जैसे लग रहा है ना कि इनके लाइफ में चारों तरफ से इनको ब्लॉक कर दिया गया हो। इवन कि आपके तरफ अगर ये बढ़ना भी चाहते हैं तो कोई चीज़ें हैं जो जैसे इनको रोकती है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपके लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं प्यार ही प्यार, एक बहुत गहरी डीप इमोशंस में आपके लिए देख पा रही हूँ। देखिए, इनके लाइफ में वजह भी जो भी हो, टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी साइन में धीरे धीरे बताऊंगी, ठीक है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है, ठीक है। तुला, कुंभ और मिथुन राशि, टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी मुझे दिख रही है और यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, बट ये पर्सन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, यानी कि एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस भी हैं, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, ये बहुत कंफ्यूज है अपने लाइफ में, ठीक है। लेकिन वजह जो भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा इंसान तो है और इस तीसरे इंसान की वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से थोड़ा सा ये डरते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी अपने आप को समझा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो और इनके अंदर स्ट्रेंथ आए, ठीक है। ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे, क्योंकि इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है, इन्होंने आपको इस तरह एहसास दिलाया है कि आपके जीवन में आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपको इन्होंने ऐसा एहसास दिलाया है कि आपके जीवन में ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आप किसी दूसरे के लिए, तीसरे के लिए ना सोचो, ठीक है। देखिए, इन्होंने प्रॉमिस तो किया और ये एहसास भी आपको दिलाया, बट ये पर्सन
कहीं ना कहीं थोड़ा रिग्रेट फील तो करता है या करती हैं कि इन्होंने जो कुछ भी कहा था और जितना आपको एहसास दिलाया, आज ये पर्सन जो भी है थक गए हैं। एक जैसे इंसान अपने जीवन में हार जाता है और उनको सहारा नहीं मिलता तो कंफ्यूज हो जाता है, कोई रास्ता नहीं, तो ये इस तरह ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है, ये रिश्ता चाहिए उन्हें, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये रिश्ता चाहिए, ये अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं आपको लेकर बहुत ही स्ट्रांगली, ये रिश्ता इन्हें चाहिए। जो भी हो, चाहे वो डर हो, या हो सकता है ये इनको किसी के लिए किसी को छोड़ना पड़े, लड़ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जब आपके लिए डीप इमोशंस फील कर रहे हैं और ये किसी से डरते भी हैं, लेकिन ये अनकंडीशनल लव कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि ये किसी से भी लड़ सकते हैं। जो भी हो सिचुएशन, आपके पार्टनर की जो भी है, ये सोच रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में काम करना है, और ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ से वो निकलना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो की एनर्जी हो सकते हैं, ठीक है। कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि, देखिए ये पर्सन जिद्दी स्वभाव के हैं, ठीक है। ये पर्सन जिद्दी स्वभाव के मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ में बार बार कुछ ना कुछ टावर आ रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ टावर आ रहा है। ये पर्सन देखिए स्टेप बढ़ाना चाह रहे हैं आपकी तरफ, आप गौर कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। ये पर्सन का पैर एक तरफ है और दूसरा पैर दूसरी तरफ है, कहने का मतलब ये आपकी तरफ स्टेप बढ़ाना चाहते हैं, आप गौर से देखिएगा जिन लोगों को दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन इस वक्त दो माइंड दो चॉइस में है, ठीक है। ये पर्सन का एक पैर इधर है, एक पैर उधर है, लेकिन क्या है, ये भी एक कन्फ्यूज़न है, यह द फुल की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन को इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं किसी तीसरे और आपके बीच में ये फंसे हुए हैं, आप गौर से देख लीजिएगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं, आपसे कोई चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, लाइफ की सिचुएशन या आपको लेकर कमिटमेंट, क्योंकि सिर्फ ये सोच रहे हैं, डिसीजन नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्हें आपका प्यार चाहिए। लेकिन ये पर्सन एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और है, जहाँ ये बीच में फंसे हुए हैं। कुछ व्यूवर्स आपको एक साइन मिल रहे होंगे, किसी प्रकार का कोई वर्ड, कौवा, पैरोट, चिड़िया, आप इनसे कनेक्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि आपके टेरिस पर, आपके विंडो में, कहीं आसपास आपके पेड़ पौधे पर किसी तरह का कोई, चाहे वो क्रो हो, कौवा हो, या पैरोट या तोता हो, या कोई वर्ड हो, कोई यूनिक हो, वो आपको किसी तरह का साइन दे रहा है, या आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। या आपके आसपास नेचर हो सकता है जहाँ आपकी हीलिंग हो रही है, और इस चिड़िए की आवाज़ आपको अच्छी लगती है, या फिर आने वाले टाइम में ये आपको साइन दे सकते हैं, कोई चिड़िया, कोई बर्ड, कोई क्रो या पैरोट, किसी प्रकार का चिड़िया, क्रो भी हो सकते हैं, ईगल भी हो सकते हैं, इवनिंग में आप आउल भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको किसी प्रकार का साइन दे रहे हैं, ठीक है, किसी तरह का संदेश दे रहे हैं, तो इस संदेश को आपको ध्यान देना है बाबू, ठीक है। यहाँ पे इस संदेश को आपको डीपली देखना है, हो सकता है ये सपने भी आए, ठीक है, सपने के थ्रू क्या गाइडेंस मिल रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। तो ये पर्सन आपके तरफ तो आना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि पेनफुल सिचुएशन है, द फूल की एनर्जी भी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन द फूल की एनर्जी में आपके तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनकी लाइफ अंधेरे में है, और ये प्यार उनके लिए क्या मायने रखता है, क्या इम्पोर्टेंट रखता है, वो इनको पता चल रहा है, ठीक है। अपने पेन, अपने दर्द को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ कुछ व्यूवर्स हो सकता है कि अगर ये पर्सन आपसे प्रॉमिस कर कर और ये मुकर गए हैं और इन्होंने आपको दर्द दिया है, तो देखिए आपके मन में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। ये बंदा या बंदी का क्या प्लानिंग है, ये क्या डिसीजन लेगा या नहीं लेगा। कभी कभी आपके मन में कुछ निगेटिव थॉट्स भी आते हैं, ये रिश्ता अब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। चाहे रिलीजन अलग हो या आप दोनों इस वक्त सेपरेट हो, कुछ के लिए रिलीजन इशू भी हो सकते हैं या फिर आप दोनों सेपरेट भी हो सकते हो। उनकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, थर्ड पार्टी निकलेगी नहीं निकलेगी, जो भी है आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, ठीक है। और आपको पता है कि किसी ना किसी वजह से ये जानबूझकर आपसे दूरियां बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का खिंचाव भी आपके तरफ है और इनका आपका भी खिंचाव इनके तरफ है, ठीक है, क्योंकि इतनी आसानी से ये पर्सन आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आप पर डाउट शक किया है तो इनके मन में एक सॉरी भी आ रही है, ठीक है, कि आपके बारे में इन्होंने कहीं ना कहीं किसी से गलत सुना या फिर इन्होंने गलत समझा और इन्होंने आपको ब्लॉक भी शायद किया, जिद में गुस्से में आकर, गुस्सा होकर, ईगो दिखाकर, झगड़ा फाइट कर कर इन्होंने आपको ब्लॉक भी किया, ठीक है। लेकिन इनके मन में कुछ बातें ऐसी चल रही जो रिग्रेट और सॉरी आ रही है, सॉरी। इनके बुरे हालात हैं, इनके बुरे हालात हैं, ये आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप उनका मजाक बना दोगे। उदासी, मायूसी और कुछ ना कुछ इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ ही रहे हैं, फैमिली ड्रामा, फैमिली इशू, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर उस अंधेरे से तो निकलना चाह रहे हैं, लेकिन सही बात है इनकी शांति भंग हुई है और ये बदलाव लाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स, सबके पार्टनर नहीं, इसमें इक्का दुक्का के पार्टनर हैं जो किसी को छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऑप्शन हो या आपके पार्टनर किसी और से इंगेज हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन इक्का दुक्का की मैं बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर किसी को ये छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि इनकी शांति भंग हो चुकी है, ठीक है। और ये पर्सन बदलाव लाना चाहते हैं आपके साथ, नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके साथ, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग जो इंसान हैं वो सही नहीं हैं, ठीक है, मतलब आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पर्सन के आसपास हैं, कुछ ऐसे इंसान, कुछ ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो सही नहीं हैं। और जो ये तकलीफ़ से गुजर रहे हैं ना, मतलब इनके लाइफ में जो उतार चढ़ाव काफ़ी हो रहा है, शांति भंग है, ना ये सही से काम कर पा रहे हैं, ना सही से ये सो पा रहे हैं, ना सही से किसी से दिल की बात शेयर कर पा रहे हैं, लेकिन एक कोशिश आपके लिए कर रहे हैं, दिल से आपको पाना चाहते हैं और ये कोशिश लगातार कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने आपसे फाइट किया है, आपको मिसजज किया है, आप पर शक भी किया है, और इन्होंने अगर ब्लॉक किया है आपको तो आज इन्हें रिग्रेट, पछतावा हो रहा है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनकी मजाक बन जाएगी, ठीक है, ठीक है, इनकी मजाक बन जाएगी। लेकिन जो अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं ना आपके लिए, वो अजब सा महसूस है इनके अंदर, ये कह रहा है कि मुझे प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए, ठीक है। लेकिन इनके एनर्जी में हमेशा मूड स्विंग्स हो रहा है। इस खामोशी के पीछे कहीं ना कहीं प्यार है, चाहत है, एक इमोशंस कह रहा है कि वो आपको गले लगा लें, ठीक है, उनकी इच्छा हो रही है, या ये आपके बारे में किसी से, फ्रेंड से या दोस्तों से, कॉलिग से, किसी से ये जानकारी ले रहे हैं। अगर ये बातचीत नहीं कर रहे हैं तो, या आपके फ्रेंड हो, उनके फ्रेंड हो, कोई है जिनसे आपके बारे में डिस्कस करते हैं और ये आपको लेकर जानकारी ले रहे हैं कि आप कैसे हो। लेकिन इनकी सोच थोड़ी गलत थी आपसे रिलेटेड, ठीक है, अब वही चीज़ इनको बार बार ख्याल आ रहा है कि इनसे गलती हुई है। लेकिन ये पर्सन आपको
एकदम से खुलकर नहीं बोलेंगे कि मैंने तुम पर ऐसा शक किया, डाउट किया तो मुझे सॉरी फील हो रहा है। नहीं, इनकी रूह, इनकी अंतर आत्मा जो है वो रिग्रेट फील कर रही है, मतलब कि इनकी जो अंदर की एनर्जी वो संतुष्टि नहीं है, और जो इनके लाइफ में घटनाएं घटित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इनको हिला रही है और आपका एहसास दिला रही है। देखिए, हो सकता है अचानक से इनके अंदर गुस्सा भी बढ़ रहा है, क्योंकि आजकल आप काफ़ी मैच्योर हो चुके हो, आप काफ़ी, आपके अंदर नॉलेज बढ़ा है, आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो, ठीक है, आप दोस्तों के साथ हो सकता है टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप ऑनलाइन रहते हो, ठीक है, ये भी ये देख रहे हैं। ये सबके लिए नहीं होगा बाबू, कुछ लोगों के लिए होगा, ये आपको स्पाई ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अचानक से इनके मन में गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है, और इनका जो स्ट्रेस है, गुस्सा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो तकलीफ़ है, इनके हेल्थ पर बुरा प्रभाव दे रहा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को बार बार आपके लिए इमोशंस, प्यार भी भर रहा है, ठीक है, और कमिटमेंट की बात रही तो कमिटमेंट से थोड़ा ये डर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो इन्होंने प्रॉमिस किया हो, या फैमिली हो, या पेरेंट्स हो, कोई तीसरा हो उसके वजह से, लेकिन इक्का दुक्का के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी के पार्टनर ऐसे भी हैं कि किसी को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जिसने भी आपके खिलाफ गलतफहमियाँ क्रिएट की है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपसे वो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि ये ना किसी से आपसे झगड़ा करा सकते हैं, ना आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। आप खुश रहे, ठीक है, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी गलत फहमियाँ क्रिएट किसी ने किया है, जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में लाया है, ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, आपके फ्रेंड, उनके फ्रेंड, कॉलीग भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर गलत फहमियाँ क्रिएट की गई है, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में जो उलझने हैं वो फैलाई गई है, लेकिन आज ये खुद अपने लाइफ में उलझे हुए हैं और इनकी शांति भंग हो चुकी है, ठीक है। ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने घर के गलतियों को, लाइफ की सिचुएशन, प्रॉब्लम्स को वो आपसे पूरी तरह खुलकर शेयर नहीं करेंगे। ये खुद का मजाक नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि इनके बुरे हाल हैं, और वैसे भी इनको लोग बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, और ऐसे भी आप काफ़ी स्मार्ट हो चुके हो, मैच्योर हो चुके हो, तो आपको, आपसे प्यार मांगना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है, चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ टाइम अकेले में आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा वो प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदा अचानक से आपके तरफ कॉल मैसेज कर सकता है या कर सकती हैं, ये अचानक आपके तरफ आ सकता है या आपको अनब्लॉक कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में है और आपके लिए इमोशंस काफ़ी है। तो ये एक बदलाव लाने के लिए, जो इनकी शांति भंग है, उनको ये एहसास हुआ है कि तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, लेकिन जो भी हो, प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन आपका प्यार उन्हें चाहिए, आपका साथ चाहिए, ठीक है, इन्हें आपका प्यार और साथ चाहिए ही चाहिए। थोड़ा उदास है, मूड स्विंग्स है, अचानक से गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि इनके लाइफ की सिचुएशन ही सही नहीं चल रहे हैं, और अपने ही अंदर कहीं ना कहीं एक अधूरापन है, और बार बार सोचकर इनकी हेल्थ इश्यू भी हो रही है। तो आपके पर्सन जो भी हैं इस वक्त, उन्हें ये लग रहा है कि उनसे जो गलती हुई है, रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन घबराइए नहीं, ये आपको खुद वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, रिग्रेट जहाँ फील कर रहे हैं, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, ठीक है, मीन कर्क और वृश्चिक राशि, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट तो कर रहे हैं, ठीक है। नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, 7 नंबर मुझे दिख रहे हैं, 3 नंबर दिख रहे हैं, 8 नंबर दिख रहे हैं, 11 है, 6 है, 2 है, 10 है, 8 है, 30 प्लस, 154, 28, 2, 11 तो स्ट्रांग दिख रहे हैं, 11, 7, 3 स्ट्रांग हैं, ये नंबर्स मुझे स्ट्रांग आप लोग के लिए दिख रहे हैं। लेकिन ये आप क्रो पर ध्यान दीजिएगा, क्रो आपके घर पे आसपास आ रहे, तो उन्हें रोटी और पानी दीजिए,
और ये आपको क्या दे रहे हैं, किस तरह से साइन मिल रहे हैं उनके बारे में सोचिए। लेकिन ये आपके पार्टनर द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं, मतलब कि प्यार बहुत फील कर रहे हैं, लेकिन अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस वजह से, आपसे चीज़ें छुपाने के लिए, लाइफ की सिचुएशन प्रॉब्लम्स, इसलिए द फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन इनको ये एहसास है कि किसी के गलत फहमी से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ है, या किसी तीसरे के वजह से इन्होंने आपके प्रॉमिस को तोड़ा है, इसलिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्यार इमोशंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखिए एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, डेथ एंड रिवर्स, रिश्ते को इन्होंने एंड किया था। देखिए परेशान है, द चैरियट की एनर्जी है, ये परेशान जरूर है, एक्शन तो लेंगे, ठीक है, लेकिन चीज़ें थोड़ा हाइट करेंगे। देख लीजिए हालात आपके पार्टनर का, ठीक है, ये अभी भी किसी फीमेल की एनर्जी है, स्टक हैं, ऑफर करना चाहते हैं, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप खुद ही एनर्जी देख लो इनके ऊपर किसका असर है, तो आपके पार्टनर के ऊपर देखिए किसी तीसरे का असर है। लेकिन ये बंदा जो भी है, अगर आप लोग में एज गैप भी आ रहा है वो भी दिख रहा है, काम का भी प्रेशर है, अपने गोल्स अपने करियर पर भी फोकस करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, तो इनके मन में आपके लिए प्यार इमोशंस है, वो ऑफर भी करना चाहते हैं, ठीक है। आप उनके सोलमेट हो ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन शायद अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है तो ये पेनफुल सिचुएशन वो महसूस भी कर रहे हैं। तो ये पर्सन लगातार आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए व्याकुल हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पेनफुल सिचुएशन है, क्योंकि ये पेन अगर इन्होंने आपको दिया है इसी पेन में वो भी है, लेकिन ये एक्शन लेना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, और इनके लिए काम भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये पर्सन जो भी है, आप लोग में एज गैप मुझे दिख रहा है, लेकिन अब एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ भी 3 नंबर है, 13 नंबर है, 7 नंबर है एंड 1 नंबर है, यहाँ भी नंबर्स कुछ आए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा द फूल की एनर्जी आपको दिखाया, क्रो की एनर्जी दिखाई, ठीक है, ये सब पर ज़रा आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। और अपने लाइफ में भी आप अपने ऊपर फोकस रहें, आपके पार्टनर आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी उन्होंने किया है उस बात का उन्हें रिग्रेट गिल्ट हो रहा है, बट फिर भी वो आपसे खुलकर नहीं कहेंगे, नहीं तो उनका खुद का मजाक बन जाएगा, है ना। तो ये है जी आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे डियर तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।